राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर महीने ये एकादशी दो पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। इस बार ये एकादशी षठ तिला एकादशी, जो कि 18 जनवरी की है, दिन बुधवार को। इस षठ तिला एकादशी पर अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको मैं विशेष उपाय देने जा रही हूँ, जिसके करने से आप अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, षठ तिला एकादशी यानी कि 6 तरह से तिलों का उपयोग करना। ये सर्दियों का मौसम है, इस समय तिलों का वैसे भी महत्व है। तिल हमें गर्मी प्रदान करते हैं, तिल हमारे राहु केतु को शांत करते हैं, तिल हमें कैल्शियम प्रदान करते हैं, तिल हमारे अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल से भरे होते हैं। इनका सेवन करने से हमें ठंड के मौसम में गर्म में एहसास होता है, हम कफ और कोल्ड से बचे रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो एकादशी पर विशेष उपाय देने जा रही हूँ, इसे करने से यकीन मानिए कि जीवन में चल रही आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं, चाहे आपको अपनी लग्न पता हो, राशि पता हो, ना पता हो। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से मैं कहना चाहूँगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से कर रखा है तो आपको बाद में करने की आवश्यकता नहीं है। बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के जो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, जैसे आपको एकादशी का 3:11 पर आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर अब मैं लाइव आ रही हूँ, इसको मैं 7:30 पर अपलोड करती हूँ। शॉर्ट वीडियो मेरा 5:16 पर अपलोड होता है। कहने का तात्पर्य, सारे वीडियोज़ आपको समय से मिलते रहे। दोस्तों, हम जीवन में चाहते हैं, गृहस्थ हैं हम, हमें हर चीज़ चाहिए, हमें बच्चों का भी सुख चाहिए, हमें अपना भी सुख चाहिए, धन भी चाहिए, पति की तरक्की चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बड़ा मकान, गाड़ी, वैभव, बंगला, महंगी महंगी होटलों में खाना, सब कुछ चाहिए। अब ये हर किसी की कुंडली में तो राजयोग नहीं लगा हो सकता, वो बिरले ही होते हैं जिनकी कुंडली में राजयोग लगा होता है और उन्हें ये सारी चीज़ें थोड़े से ही प्रयास से हासिल हो जाती है। अमूमन 99% लोगों को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उनके पास ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट होकर आना शुरू होती है। ऐसी ही एक ये जो एकादशी पड़ती है, इसका व्रत का भी बहुत महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि इसका व्रत करने से आपको जन्म जन्म के जो आपके पाप कर्म है उनका क्षय हो जाता है और आपके पुण्य में वृद्धि होती है। आप अपने पितरों को उतार सकते हैं, आप अपने परिवार का कुल उद्धार कर सकते हैं, संतान इत्यादि सारे सुख प्रदान करता है एकादशी का व्रत। सभी सुख प्रदान करने वाला होता है एकादशी का व्रत। अगर आप एकादशी का व्रत रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तब आपको इसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। अब आप कहेंगे कि कथा मैम कहाँ मिलेगी, उसके लिए आप यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए जनवरी के महीने में 18 जनवरी को पड़ने वाली षठ तिला एकादशी, गूगल पर आपको इसकी कहानी मिल जाएगी, आप उसे पढ़ सकते हैं। अब विधि बता देती हूँ मैं आपको, आपको करना क्या है। आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर में आ जाइए, तुलसी दल जरूर रखिए, साथ में भोग में जो आपकी श्रद्धा हो, पंचमेवा रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, मौसमी फल रख सकते हैं, इसके साथ ही आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। चावल का इस समय एकादशी में चावल वर्जित होता है तो चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी पर, किसी भी तरह से चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप कथा सुन रहे हैं या आपके घर में कोई व्रत रह रहा है तब आपको इनका सेवन नहीं करना चाहिए चावल का। ये सभी सामग्री लेकर आ जाइए, फल फूल धूप दीप नैवेद्य, अपने घर के मंदिर में आ जाइए। इसे कहानी को कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष बुजुर्ग, कोई भी सुन सकता है, कोई भी कर सकता है। इस दिन सत्यनारायण कथा का भी बड़ा महत्व है। अगर आप एकादशी पर सत्यनारायण कथा सुनते हैं या कहते हैं तब इसका भी आपको 1000 गुना लाभ मिलता है।
सत्यनारायण भगवान की कथा में आटे की पंजरी बना के रखी जाती है, जिसको भून कर उसमें घी शक्कर मिलाकर इसका एक प्रसाद, सूखा प्रसाद बनाया जाता है। साथ में पंचामृत, घी दूध दही शक्कर और शहद मिक्स करके इसमें साथ में तुलसी दल डालिए, कुछ मेवा डालिए, जैसे चिरौंजी हो गई, मखाना हो गया, हरी इलायची हो गई, ये सब कुछ डालकर आपको भोग रखना होता है। साथ में केला जरूर रखा जाता है एकादशी के व्रत, सॉरी इसमें आपके सत्यनारायण भगवान की कथा में। तो सत्यनारायण भगवान की कथा तो हम एकादशी को भी कर सकते हैं और हम किसी भी पूर्णिमा भर भी कर सकते हैं। तो सो आज मैं बात कर रही हूँ एकादशी की, षट तिला एकादशी। इस दिन आपको तिल थोड़ा सा आप पानी में या दूध में भिगो दीजिए, तिल इसे पीस लीजिए और अपने चेहरे पर, अपने हाथ पैरों पर मलकर इससे जरूर नहाना चाहिए। तिल के स्नान से आपके राहु केतु शांत होते हैं। सेवन भी करना चाहिए, किसी भी रूप में आप तिल का सेवन करेंगे, लड्डू के रूप में आप इसको, गजक के रूप में, बहुत सारे रूप में आपको तिल मिल जाता है। इसके साथ ही तिल का दान भी जरूर करना चाहिए। इन तिल का दान आप किसी भी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं, किसी भी आप समर्थ व्यक्ति को जो आपके इस दान को ले सके, ऐसे व्यक्ति। इसके साथ तिलों का आज के दिन सफ़ेद काले तिल, आटा, गुड़, चीनी, ये सब कुछ मिक्स करके आपको चाहे तो एक नारियल, जिसको हम गोला या खोपरा बोलते हैं, उसके अंदर एक कट लगाकर उसके अंदर भरकर, उस पर ढक्कन रखकर, उसको धागे से लपेटकर आप किसी पेड़ की जड़ में दबा कर आ सकते हैं, या फिर आपको इसके ऐसे ही किसी कागज या पॉलिथिन में बांध कर इसको किसी भी पेड़ की जड़ में छोड़कर आ सकते हैं। क्योंकि चींटियों को विष्णु स्वरूपा माना गया है, चींटियों को भोजन देने से स्वयं नारायण जो पालन करता है, वो हमारे भोजन की व्यवस्था स्वयं ही हमारी होने लगती है। उपाय के तौर पर आज जो विशेष उपाय हैं वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। आपको करना क्या है कि अपने घर के मंदिर में आप लाल कलाबे की बाती डालकर घी का दीपक जलाइए, आसन पर बैठ जाइए, एक लोटे में जल भर के रखिए, तुलसी दल रखिए, प्रसाद रख लीजिए जो भी आपके पास हो। अब संकल्प ले लीजिए, दीपक जला लीजिए, दीप देव से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी पूजा पूर्ण हो, ऐसी आप उसके लिए मंगल कामना करते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तब तक ये दीप देव आप मेरी पूजा में जलते रहना, मुझसे हुए अपराधों को क्षमा करना। संकल्प ले लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र और निवास स्थान, या बच्चे कर रहे हैं कोई भी तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र। अब आपको जो मनोकामना हो, कोई एक मनोकामना के लिए आप कीजिए, कोई भी एक मनोकामना, विवाह नहीं हो रहा, कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, या बीमारियों ने बहुत घेरा हुआ है, या धन चाहते हैं, या पति पत्नी का रिश्ता अच्छा चाहते हैं, या संतान की तरक्की चाहते हैं, कोई भी आपकी मनोकामना हो सकती है। तो एक वाइट कलर का पेपर ले लीजिए, इस पर आपको ग्रीन कलर से लिखना है, ग्रीन कलर से वो अपनी इच्छा मनोकामना हो गई है इस तरह से लिखना है, आपकी पूर्ण हो गई है। इसको फोल्ड कीजिए, इसके अंदर एक तुलसी दल डालकर आपके घर में जो भी नारायण की फोटो हो कलावे से बांधकर नारायण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यहाँ अर्पित करने के बाद आप जो मैं मंत्र दे रही हूँ आपको, इस मंत्र की आपको एक माला, तीन माला, पांच माला, जो आपकी श्रद्धा हो, तुलसी की माला से या फिर आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सबसे शुद्ध मंत्र है भगवान विष्णु का। इस मंत्र का आपको एक माला, तीन माला, पांच माला जाप कर लीजिए। एक बार अपनी मनोकामना बोल दीजिए ईश्वर से कि वो आपकी ये मनोकामना, इच्छा पूरी हो गई है, हे प्रभु आपका वरद हस्त सदैव मुझ पर बना रहे। इस चिट को वहीं रखा रहने दीजिए, जब तक कि आपकी वो इच्छा मनोकामना पूरी ना हो जाए तब तक आपको इसके मंदिर से नहीं हटाना है। पहले आपने आगे रख दी, उसके बाद इसको उठाकर आप पीछे रख दीजिएगा फोटो के। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इस चिट को उठाइए, इसको फाड़िए और किसी भी पेड़ की जड़ में थोड़ा सा मिट्टी हटाकर आप दबा दीजिएगा। देखेंगे आप कि ये इतना चमत्कारिक उपाय है कि आपकी वो मनोकामना कुछ ही दिनों में आपकी पूरी हो जाती है, क्योंकि नारायण आपकी हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। और सबसे पावरफुल मंत्र है ओम नमो नारायण, इस मंत्र का आपको जाप करना है। करके देखेगा दोस्तों, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, मेरी बहुत सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं इस एक छोटे से उपाय से पूरी हुई हैं। एकादशी की कथा मैं जरूर सुनती हूँ, व्रत नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि व्रत रहने से थोड़ा सा एनर्जी लो फील होती है, नहीं रह पाया जाता, तो मैं कथा जरूर सुनती हूँ। साथ में अपनी कोई भी मनोकामना मुझे पूरी करनी होती है तो हर एकादशी पर इस तरह से मैं अपनी किसी ना किसी इच्छा को पूरा करने के लिए मंत्रों का जाप भी करती हूँ, साथ में आराधना भी करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा पाठ में मेरा बहुत मन लगता है
और बिना पूजा पाठ के तो मुझे पूरा दिन ऐसा लगता है जैसे मेरा खाली खाली सा हो गया। तो बिना पूजा पाठ के तो मैं रह ही नहीं सकती दोस्तों। सो आप भी दोस्तों इसको जरूर ही आजमाइएगा, और आपको इसका रिजल्ट क्या मिला है वो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। कमेंट में जब लोग आप लिखते हैं पॉजिटिव रिजल्ट लिखते हैं कि भाई मिला है, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है, हमें भी बड़ा अंदर से ये फील होता है कि भाई आप लोग उपाय कर रहे हैं तो आपको कुछ तो मिल रहा है इनसे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा, पर लिखिएगा ज़रूर। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जीवन में जुड़ी किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है 8077506510। इस ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसेस जा सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। इसके साथ ही आप चाहते हैं जीवन रक्षा कवच, अगर आप रोग बीमारियों से घिरे हैं, मार्केस की दशा चल रही है, या आपके जीवन में किसी भी तरह से आप बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, बार बार आपको एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप गाड़ी अधिक चलाते हैं या टैक्सी चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं, आपके लिए विशेष रूप से आपको इसको जरूर ही धारण करना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन की रक्षा करता है। दूसरा यंत्र है शुक्र यंत्र। अगर पति पत्नी में आपस में बहुत अधिक मतभेद रहता है, या आपके अंदर वो आकर्षण नहीं है, या आपकी स्किन बहुत अधिक डल हो गई है और आपके चेहरे पर वो ग्लो नहीं रह गया, या आपके जीवन में धन आ ही नहीं रहा है, धन अटक अटक कर आ रहा है, आप बहुत लाख प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं से आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, या महिला हैं आप तो आपके आकर्षण खत्म हो गया, पति आपसे आकर्षित नहीं होते, तब आपको शुक्र यंत्र जरूर धारण करना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों भाग्योदकारी वीसा यंत्र, अगर आपकी कोई ऐसी दशा चल रही है जहां आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, जैसे शनि की दशा चल रही है, राहु की चल रही है, केतु की चल रही है, या ऐसी कोई आपके अष्टम की चल रही है, छठे भाव की चल रही हो, जहां आपके प्रयास विफल हो रहे हैं, कहने का तात्पर्य कि प्रयास कर करके परेशान हैं आप, हर ट्रिक अजमा चुके हैं, आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तब आपको भाग्योदकारी वीसा यंत्र धारण करना चाहिए। इसके धारण करने से आपको धीरे धीरे आपके काम बनने लगते हैं, भाग्य का आपको साथ मिलने लगता है। सो दोस्तों स्क्रीन पे नंबर है, इन पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा जान सकते हैं आप इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर डेली में आपको शाम को 7:30 बजे 7:30 पर लाइव आ रही हूँ, तो आप मेरे फेसबुक से जुड़े हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, या मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, आप वहाँ आकर मुझे लाइव देख सकते हैं। इसके साथ ही शुक्रवार को मैं 8 बजे आप सभी के मध्य आऊँगी, आप जो मुझे कमेंट लिखते रहते हैं उन सभी कमेंट को लेकर। तो आपकी कोई जिज्ञासा है, आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या आप सार्वभौमिक ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसकी आपके अंदर जिज्ञासा चलती रहती है, या मेरे वीडियो के बारे में आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर कुछ भी मैसेज मत कीजिए कि ये बता दीजिए ये बता दीजिए, आपको मैं ये कमेंट सेक्शन खोल रही हूँ, आप वहाँ लिखिए। शुक्रवार को आऊँगी तो लाइव में आपके सभी कमेंट्स लूँगी, तो वहाँ आप मुझे लिखते रहिए, मैं शुक्रवार को आपके सभी कमेंट्स लूँगी जितना कि मेरे पास टाइमिंग होगी उस समय लाइव आने की। दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपनों के साथ हमेशा प्रसन्न रहें, बच्चों को हमेशा संस्कार दीजिए कि वो अपने अपने परिवार के सभी सदस्यों को मान सम्मान दें। धन्यवाद।